हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आप लोग के यहाँ पर एशियल टेक की तरफ से अगेन न्यू हब फेज की हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। मल्टीपल रिक्वायरमेंट है आप लोग के लिए, सैलरी काफी अच्छा होने वाला है, टेस्ट के मेल भी आपके पास आने वाले हैं। आप लोग किसी भी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ब्रांच से हो, यू ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर जॉब अपनी। गूगल फॉर्म के थ्रू से रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है। सो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड सबसे पहले बात करें तो आप लोग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपका एशियल टेक जॉब अपॉर्चुनिटी 2024 बैच ग्रेजुएट ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होने वाला है। इसमें बीसीए बीएससी वाले अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपका सीटीसी वगैरह बता दिया गया क्या है नहीं है, एक बार आप लोग देख लें। मदुरई, लखनऊ, नागपुर का लोकेशन होने वाला, रोड ग्लोबल डेस्क सर्विस क्लाइंट फेसिंग रोल होने वाला है। सिंपल सा फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप लोग प्रोफाइल के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो फ्रेंड आप लोग इसे देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट टेक्निकल सब प्रोडक्ट सपोर्ट का बीबीटी कॉलेज सर्किट ब्रांच ऑल एलिजिबल टू अप्लाई। और यहाँ पर आप 24 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कोई भी लिंक दे दूंगा। एक और आपका फिर इसमें 21, 22, 23 वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रेल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पर यूजी पीजी एनी स्ट्रीम, और यहाँ पर आपको अपना रेज्यूमे इनको मेल करना पड़ेगा अगर आप लोग प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर नियम ने बता दिया आप लोग को। और दो रिक्रूटमेंट और दो और साइट है, एक आपका है ऑफिशियल करियर साइट। यहाँ पर आप लोग आओगे तो फिर यहाँ पर आप लोग को जो है करियर साइट के पेज पर आने पर यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन एक्सप्लोरर एक्सप्लोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, और नीचे आओगे फिर यहाँ पर आपको मिलेगा हायरिंग प्रोसेस देखने के लिए। तो करियर साइट के जब अप्लाई करोगे फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा, देन आपका बिजनेस टेक्निकल का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो दिस इज नो टेस्ट इज गोइंग टू बी हैपन टू दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग इफ यू वांट, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फ्रॉम द करियर साइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, करियर साइट पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक्सप्लोर मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। सिंपली आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर मोर जॉब अपॉर्चुनिटी से। उसके बाद मैं बता दूँ कैसे आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको चूज करना फ्रेशर्स, और यहाँ पर कंट्री आपको डाल देना इंडिया, फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको सर मल्टीपल रिक्वायरमेंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट रोल है, तो जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख के अप्लाई कर देना, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है मैं दिखा दूँ, तो आपको मान लो आपको अप्लाई करना है, लेट सपोज यू वांट टू अप्लाई फॉर द टेक्निकल लीड, तो आपको व्यू जॉब पर क्लिक करना है और देख लेना कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओपनिंग है, दो ओपनिंग है समय में, 2, 1, 5 ऐसे ओपनिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका है कैंपस हायरिंग। यहाँ पर आप लोग को 2025 बैच वाले भी जरूर अप्लाई करना। सिंपली आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो, कौन सा रोल आपके लिए फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करना है। तो आप लोग अप्लाई करना है, ये भी काफी रिक्वायरमेंट है। चार टोटल रोल है, पहला आपका है बीबीटी एमएमटी वालों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, देन आपका पीजी एमबीए पीजीडीएम वालों के लिए है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट, देन आपका बीए बीबीए बीकॉम बीसीए बीएससी बी फार्मा वालों के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग, देन आपका बीए बीबीए बीकॉम बीसीए बीएससी बी फार्मा के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, आप लोग सीए आईसीएडब्ल्यू लॉ पीएचडी वालों के लिए स्किल हायरिंग प्रोग्राम है। तो आप लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड हो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, मैं आपको सभी का लिंक दे दूंगा। कुछ डाउट रिमेटर पूछ लेना, और एग्जाम के मैं डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी ऑनगोइंग है, वहाँ हायरिंग कर रही है। यहाँ पर इनका रिक्वायरमेंट है 10,000 फ्रेशर्स को हायरिंग करना, जरूर अप्लाई करना। सो मिलता है, जय हिंद जय भारत।